सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां एसडीएम चंदन पटेल व अन्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया व निस्तारण के आदेश भी दिए गए। वहीं समाधान दिवस पर जब हमने पीड़ितों से बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायती पत्र दिए हैं लेकिन फिर भी कोई निस्तारण नहीं होता है। आइए देखते हैं इस पर पीड़ितों का क्या कहना है। मैं ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान खेलकूद प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। मेरे पिताजी ग्राम के प्रधान हैं। मैं जब से पंचायत की कार्यभार पिताजी ने लिया है तब से एक हरिजन बस्ती में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से, फिर माननीय सांसद जी के 3-4 लेटर, मंत्री जी के कई बार लेटर, मंत्री जी ने डायरेक्टली फोन किया, लेकिन आज तक उसमें हरिजन बस्ती में सबसे छोटा 10 KV का ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा। समाधान दिवस में कई बार दिया, लग जाएगा, एसडीओ साहब से फोन करो, बोले फंड नहीं है। सचिन संदीप तिवारी जी को फोन करो, बोले फंड नहीं है। कहां तक कार्य नहीं होगा जब फंड नहीं है? सरकार सारा फंड अवेलेबल करा रही है जब, और उसके बाद कई ऐसे रामचौरा दादूपुर में केस हैं जिनका कनेक्शन जो मुफ्त में हो रहा है उसका कुछ पैसा जमा हो रहा है, कुछ सरकार माफ कर रही है। पैसा जमा हो गया, रसीद मिल गई, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ, छपाई नहीं, कहा खेतों मोह पा रहे, गेहूं कब आदमी बोएगा। मेरे पास आकर के जब हम लोग पहुंचते हैं गांव में तो लोग आकर के घेर लेते, भैया कैसे काम हो, अधिकारी फोन करो, उठाता नहीं। दादूपुर में एक जो एक पोल टूटा है, भैया राजेश भैया, एक पोल टूटा है दादूपुर में, मैंने 1 साल पहले फोन किया था पिछले साल गर्मियों में और ठंडी आ गई, अभी तक वो पोल हटाया नहीं गया जबकि वो पोल ऐसे झुक गया है। और मैंने वो हेमंत राय जी है उनको फोन किया, गहरू पावर एसडीओ साहब को फोन किया, कल हट जाएगा, लाइन मैन से अभी बोलता हूँ हट जाएगा, आज तक नहीं आया। इतनी जबरदस्त क्या अराजकता है। हाँ, खेल मैदान माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया, कम से कम 6 से 7 महीने हो गए, खंड विकास अधिकारी ने उस पर बाउंड्री वाल चेंजिंग रूम बनाने के लिए बजट पास कर दिया, 3 बार राजस्व की टीम जाकर के खेल मैदान का चिन्हांकन कर चुकी, अभी तक उस पर कार्य नहीं शुरू हुआ जबकि एसडीएम साहब ने एसओ बंद्रा को लिख दिया कि आप तत्काल प्रभाव से फोर्स अवेलेबल करके वहां पर काम चालू कराइए, लेकिन कोई काम नहीं चालू हुआ। अब आज मुझसे बताया जा रहा है कि कल से काम चालू हो जाएगा। जैसा कि आप कई बार लेटर दे चुके हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या समाधान दिवस? समाधान दिवस सिर्फ दिखावा है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। जितना आदमी आता है अपनी एप्लीकेशन देता है, दूसरे दिन वो चला जाता है और उस पर कोई नहीं। जब मैंने आज 3-4 साल से मैं एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ, मेरी कोई एप्लीकेशन में कार्रवाई नहीं हुई तो और क्या होगा। 5 क्विंटल राशन दादूपुर में 2015 से फ्री फर्जी उठाया जा रहा है, जो लोग गांव के वासी नहीं है। मेरे पास डिजिटल सूची 2014 की निकाली हुई अभी भी रखी है जिसमें वो नाम है और मैं कंटिन्यू उनको नाम कटवाने की कोशिश कर, अभी जब वो नाम कट गए तो और लोगों के नाम हट गए। अब वो कोटेदार बताता है प्रधान ने आपके नाम कटवा दिए, यहाँ जो उससे जब बात करो जो यहाँ फीडिंग होती तो कहता भैया ये कोटेदार जिसको बताया उसको हटाया। तो हमने कहा किसकी परमिशन, बोले उसमें परमिशन अधिकारियों की रहती है, कौन से अधिकारियों की फोन रहती है। मेरे पास मैंने जब डायरेक्ट उससे कोटेदार से बात किया तो उसने जो है राशन का सत्यापन कराना बंद कर दिया। पिछले 5-6 महीने से मेरे पास कोई राशन सत्यापन नहीं कराने आता, अपने आप राशन उठ रहा है, बट रहा है, किसको बट रहा है कोई मतलब नहीं। मतलब कुल मिला के एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। जनता आती हमसे कहती भैया वो कह रहे हमारा नाम नहीं है, फोन करो तो कहते आप इनका नाम भैया कट गया। हमने कहा कैसे कट गया, बोले कंप्यूटर ऑपरेटर जाने, हमने तो नहीं काटा। वहां जाते तो कहते प्रधान ने कटवा दिया। जब मेरे पास जो है इतनी सूची है कि मैं 3 साल से खाली राशन लिस्ट नहीं सही करवा पाया हूँ, ये स्थिति है। जबकि मुख्यमंत्री का पूरा आदेश है कि अधिकारी जो है ठीक ढंग से काम करे, जनता की कोई समस्या मतलब बाकी न रह जाए उसमें सुना जाए, बस यही है। अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं सब परेशान है, हम लोग जब जिले के लिए भी पदाधिकारी परेशान है तो जो छोटे कार्यकर्ता या गाँव का जो आम आदमी है उसका कार्य तो होने ही नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ तहाँ अपना परिचय देता हूँ, हम लोग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जब सरकार की नहीं थी कोई मीटिंग होती 10 से 15 लोग इकट्ठा नहीं होते थे, तब हम लोग बीजेपी का झंडा उठाते थे। आज तो सरकार हो गई, आज तो लश्कर हो गया, उसके बाद भी अब भी काम नहीं हो रहा, जबकि केंद्र में अपनी सरकार, राज्य में अपनी सरकार, मंत्री अपना, विधायक अपना, उसके बाद भी काम न हो। सांसद जी 20 बार फोन करते, मंत्री फोन करती, उसके बाद भी अधिकारी काम नहीं करते। खनन विभाग उस दिन मंत्री जब डायरेक्ट जाकर के पकड़ी है तब खनन विभाग बंद हुआ। डीजल की चोरी यहाँ तो ढाबों पर ऑथराइज हो रही है, गाड़ियों से डीजल निकाला जाता है, चोरी हो रही, पुलिस उसमें सब शामिल है। 1 नहीं 20 ऐसे केस हैं, लेकिन अब या तो हम लोग जनप्रतिनिधि नाते सुबह रात भर जो है लोगों को पकड़े भैया ये गलत कार्य है, ये कार्य जिसका है वो काम करे, हम लोगों को काम है बताना, एप्लीकेशन दी जाती है, लोगों को फोन करके बताया जाता है।
किसी भी पदाधिकारी का सरोजिनी नगर के एक भी पदाधिकारी का एसडीएम साहब के पास या एसओ बंतरा एसओ सरोजिनी नगर के पास नंबर नहीं सेव है कि कम से कम ये जिले के पदाधिकारी है सरोजिनी नगर थाने में है या बंतरा थाने में है तो इनका नंबर सेव होना चाहिए कि यहाँ फोन करें तो हाँ भाई साहब बताइए उस पर कार्रवाई। फोन उठता ही नहीं कभी कार्रवाई, जब नंबर ही नहीं सेव तो क्या पता कौन काम कर रहा है कौन क्या हो रहा है। कुल मिला के इतना है कि जनता की कहीं सुनी नहीं जा रही, कहीं नहीं सुनी जा रही है। जनता पुल पर त्राई त्राई मची हुई है और इसी तरह रहेगा तो जो है जनता आक्रोशित होती रहेगी और हम लोग भी जो है फिर इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और सवाल अभी जब ये पदयात्रा चल रही है 15 दिन से हम लोग गांव गांव जा करके रोज 3-4 किलोमीटर जा करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोग बताते हैं ये समस्या, लोग बताते हैं ये समस्या, उसके बाद वो समस्याओं का फीडबैक भी दिया जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता। कार्य कौन करेगा? कार्य करने के लिए तो हम लोग नहीं, कार्य करने के लिए एसडीएम थाना बना हुआ है, दो ही लोग अधिकारी हैं। या मंत्री जी खुद आकर के खनन विभाग जब पकड़ेंगे तब लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मंत्री जी आई पकड़ी डंपर सहित सब थाने में बंद हुए, 2 घंटे बाद छोड़ दिए गए, किसी कोई चालान नहीं, वो सब अथराइज है, कोई अनथराइज नहीं, सब अथराइज है। कुल मिलाकर अधिकारी बहुत बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस पर जो है अंकुश लगाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान ले और अगर इस पर नहीं होगा तो इसी तरह जो है जनता भड़कती रहेगी, इसका चुनाव में भी लोग बहिष्कार करेंगे। नाम है अमर भैया रमेश चंद्र। किस गांव से? हम गांव नटकुम रहे थे। किस समस्या को लेकर आप समाधान दिवस में आए थे? सर हमका समस्या दो समस्या मेरे पर बहुत है, न तो हमारा शौचालय बना है न पक्का हमारा घर बना है और हमका कॉलोनी चाहिए आवाज चाहिए, इसके संबंध में हम कितने जो है एप्लीकेशन देने लेकिन कोई सुनवाई साहब नहीं होती है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम करीब 1-2 महीना से दौड़ भाग कर रहे हैं। तो क्या कारण है जो आपको आवास नहीं मिल पा रहा? आवास का है प्रधान जी हमसे रंजिश मानते हैं तो हम ब्लॉक में यहाँ जब कई बार एप्लीकेशन दे तहसील में देते हैं तो भी लोग गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, दूसरे के मकान फोटो खींच कर लगा देते इनका पक्का घर बना है, पक्के घर में रहते हैं और जैमा हम लोग हमारा जो घर है वो उस घर की फोटो ना खींचते हैं ना रिपोर्ट लगाते हैं, सब गलत रिपोर्ट लगा देते हैं दूसरे मकान दिखा। अच्छा दूसरा मकान दिखा के रिपोर्ट लगा देते हैं। इस पर आप यहाँ के वीडियो और सेक्रेटरी से मिले थे क्या? जी सेक्रेटरी पास गए तो साहब से 20,000 रुपया मांगे घूस। अच्छा तो हम जब हम दे लाखन नहीं हम कहाँ दे देता हूँ हमारे पास है, हम खुद मजदूरी के थे और वीडियो साहब के पास जब दिलासा दे रहे थे और कहीं करवा देंगे करवाते नहीं है। अच्छा कितनी बार यहाँ के चक्कर लगा चुके हैं आप? यहाँ हम कम से कम कहने साहब 2 महीना से हम आज आ रहे हैं लगातार लेकिन कोई न्याय नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे। और कुछ कहना चाहेंगे? पर कहना चाहें कि वीडियो साहब के पास कल भी हम गए थे, कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पूरा ब्लॉक प्रधान सब मिले हैं हमारे ब्लॉक जो लोग सब उल्टा सीधा कार्रवाई करते हैं, गलत सलत सब रिपोर्ट गलत लगाते हैं, मतलब जो हम पात्र रहे तब पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मतलब इतना बड़ा वो लोग पाप कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए। कौन प्रधान है आपके यहाँ? हमारे गाँव प्रधान है पवन सिंह। अच्छा वो प्रधानी करते हैं लेकिन उनकी माँ को मतलब पद मिला है लेकिन प्रधानी पूरी वही करते हैं। अच्छा तो कुल मिला के आपको जो है मिली भगत के कारण नहीं मिल पा रहा है। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न समस्याओं को लेकर फरियादियों ने कई बार शिकायती पत्र दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें शौचालय आवास जमीन कब्जे को लेकर अधिकतर शिकायतें रहती हैं। आइए देखते हैं इन सब पर सरोजिनी नगर एसडीएम चंदन पटेल जी का क्या कुछ कहना है। सर तहसील दिवस में कितनी समस्याएं हैं, किस हिसाब से निस्तारण किया गया? लगभग 142 सीटें तहसील दिवस में समस्याएं हैं जिनमें विभिन्न विभाग समस्या रही, राजस्व विकास विकास विभाग में विभाग सभी शिकायतों को दर्ज कर लिया गया है, तय समय सीमा के बाद करना चाहिए। सर खेल की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा, उसका ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, किस हिसाब से जो तहसील से निस्तारण नहीं किया जा रहा है उस पर सजा करना? ऐसा नहीं है, तहसील के ही पैमाइश के आधार पर वहाँ पर खेल की जमीन का चिन्हांकन किया गया था और वहाँ उस जमीन का लोकार्पण किया गया था। बाउंड्री को लेकर कुछ विवाद था, कुछ फंक्शन में ऐसा था कि किसी दूसरे काश्तकार की जो बगल की जमीन है वो कम हो रही थी, उसका कहना यह है कि हमारी जमीन पूरी कर दी जाए
इसके लिए हमने राज्य निरीक्षक और पुलिस दोनों को टीम बना दिया। मैंने कहा आज ही मौके पर जाए और इसका निस्तारण। सर, ग्रामीणों का कहना है कि तहसील दिवस एक नाम मात्र है कि एप्लीकेशन ले लिया था पर उनकी समस्या का निस्तारण नहीं किया, तो इस पर सर क्या कहना? ऐसा नहीं है, ज्यादातर तहसील आप देखिएगा, ज्यादातर तहसील दिवसों में नई समस्याएं आती है, नई शिकायतें आती है। यदि पुरानी समस्याएं अगर कंटिन्यू बनी रहे तो प्रत्येक तहसील दिवस में कम से कम 5-6 हजार लोग आएंगे और तहसील दिवस में लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है, तभी तहसील दिवस में व्यापक स्तर पर लोग आते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। सर, जहां तक देखा जा रहा है कि सरोजी नगर में खनन बहुत जोरों पर चला, उस पर किस साथ कार्रवाई? हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां कार्रवाई करते हैं। कल रात को भी हम लोगों ने रात में अभियान चलाकर एक अपहरण को जब्त कराया है बंथरा थाने के लिए। ज्यादातर इंस्पेक्टर बंथरा के क्षेत्र की शिकायतें हैं, हम लोगों ने इसमें एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है, मैं उसी के सामने, और कोई भी किसी भी स्तर से अगर खनन की शिकायत मिलेगी रात में हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे और जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ बनाएंगे। सर, जहां तक देखा जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि जो इस समय पार्टी सत्ताधारी लोग हैं वो ही खनन करवा रहे हैं, उसके दबाव में अधिकारी तहसील अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा होता है कि पार्टी का नाम लेकर अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी गलत काम करेगा वो किसी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो आदमी गलत होता ही होता है। इसलिए पार्टी को का नाम लेकर अगर कोई बचने का प्रयास करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पार्टी कभी भी इन सब चीजों के लिए जो है प्रेरित नहीं करती किसी को भी, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी अगर कोई गलत। जैसा कि आपने देखा कि एसडीएम चंदन पटेल जी ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि 142 से अधिक शिकायतें आई हैं और उनका निस्तारण भी किया जाएगा और क्षेत्र में खनन रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। इसके बाद सरोजनी नगर तहसील में क्षेत्र के गरीबों को कंबल वितरण भी किए गए जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सके। ये देखते हैं इस पर एसडीएम चंदन पटेल जी का क्या कुछ कहना है। वितरण कार्यक्रम क्या है, कितने लोगों को कंबल वितरित किया गया और किस साथ किया गया? अभी सभी कानगो सर्किल वाइज सारे लोगों को बुलाया गया था, एक एक गांव के लोगों को, ताकि आज तहसील दिवस में कुछ कंबल वितरण करके इसकी शुरुआत कर दी जाए और प्रत्येक लेखपालों को उनके क्षेत्र के कंबल को रिसीव करा दिए गए हैं। अब प्रत्येक गांव में ये कंबल का वितरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम लोग कैंप लगा के भी कंबल का वितरण कराएंगे, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से, समाजसेवी संस्थाओं से कंबल डोनेट कराकर और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबलों को भी सारी जगहों पर वितरण कराएंगे। कोई भी व्यक्ति जो पात्र है ठंडी में कंबल से वंचित न रह जाए, ये हम।